राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा सत्कार है। जेठ जी, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलवाया? जेठ जी? हाँ जी। द्रौपदी, इसी कारण मैंने तुझे आज भरी सभा में बुलवाया गया है। इसी कारण? बिल्कुल। इसी कारण क्यों? इसी कारण यूं, क्यों? आज से पहले अगर मेरे पीछे जेठ जी लगाती तो तुझे शायद दरबार में नहीं आना होता। आज तो मैं तेरे आगे ही लगा रही हूँ जेठ जी। हाँ, अब तो तू आगे भी लगा रही है जी और पीछे भी लगा रही है जी। हाँ, अगर पहले ऐसे लगा लेती तो फिर क्यों दिक्कत में आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे अब शर्म नहीं आती, क्योंकि बेशरम इंसान हो ना। नहीं द्रौपदी, अपनी जवान को लगाम दे। मैं तुम्हारे छोटे भाई की बहू हूँ। बिल्कुल हो। और छोटे भाई की बहू बेटी के समान होती है। बिल्कुल होती है। जेठ और बहू का रिश्ता बाप और बेटी के बराबर होता है। बिल्कुल होता है। फिर तुम क्यों भूल गए हो? मैं इसलिए भूल गया, उस दिन याद कर ले जब दिल्ली के अंदर मैं तुमसे मिलने के लिए गया था और मेरा गलती से पैर फिसल गया था, मैं जमीन पर फिसल करके नीचे गिर गया था और तूने मुझसे कहा था अंधे के तो अंधे ही पैदे होते हैं। तू अंधा हो गया है इसलिए गिर गया है, तुझे शर्म आनी चाहिए थी। जब कोई इंसान दिन में ही गिरेगा तो उसे अंधा ही कहा जाएगा। गलती से यहाँ समय बर्बाद मत करो जेठ जी, डॉक्टर के पास जाओ, अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास से तो मैं चल करके आया हूँ। चश्मे चढ़वा ले, चश्मे। चश्मे तो नहीं चढ़वाओ ना। अगर तेरे छोटी छोटी आंख ना होती ना तो तू ऐसे मुंधे मुंह नहीं गिरता। नहीं नहीं, देख मेरे पति की, देख आंख कितनी मोटी मोटी। हाँ। भीम जी खड़े हो जाओ जी, देख भीम की आंख। नीचे बैठ जा, यो भी तेरी हिम्मत है, तू झेल ले। नहीं झेलन की बात नहीं, की को नीचे बैठ जा। हाँ, ये तो टाइम की बात है, नहीं जमा सता जे करता तेरे जितना तो बेटे में लड्डू खा जे करता। भीम, जुए में जीत रखा है मैंने। हाँ जीत रखा हूँ, तो नीचे बैठ जा। इसी कारण चुप है मेरा पति, नहीं तो गदा मार के तेरी कमर ना तोड़ दे। नहीं की के चिंता थी, जमाओ झाड़ दूर दर्द के टांग पे टांग बीचता पैर दूर। हाँ, बना देंगे तुझे जेठ जी। भीम, तेरी चुटिया काट लेंगे। जवान को लगाम दे। अरे लगाम भीम, आज तू बोलने की जरूरत नहीं, अपना दिल बहला दे, तना खा जूंगा कच्चे ने मेरे भाई पे हुक्म दुआ दे। दुशासन कहां तेरा दुशासन? हटा जा। अरे के दुशासन है, जमा सोट जाएगा, बेटे मैंने पाद मार दिया ये तो फिर भी लौट जाएगा। दुशासन जी भ्राता श्री, भीम को बांधा जाए। अरे बांधन की अस्थि नहीं है, सब कुछ मरोड़ दूंगा, वचनाता बंद रहा हूँ बेटे, नहीं बेल न भी तोड़ दूंगा। बता महाराज, भ्राता श्री एक बात तो है, कहिए। यो भीम के जेठ के जैसे लग रहे हैं, ऐसे भीम ने द्रौपदी जेल सके, अपने बस की कोने भीम जेलना। देख ले जेलने की हिम्मत हो तो। और जब द्रौपदी भीम को जेल सकती है तो फिर तुम जैसे लपुंद्रों की क्या औकात है? इस दुर्योधन को भी जेल के देख द्रौपदी। दुर्योधन को तो जेलूंगा मैं, और तू बीच में के ये टिकड़े है पौड़े है तेरे तो मैं कच्चे ने खाऊंगा। पानी भी नहीं पियेंगे हम। पानी की क्या जरूरत है, जमा लूट लूं इसने तो मैं चाय पे ऊं थूक दूं। झूठ, कौरमा बना के खाएंगे तेरा हम। भीम, एक आध बकस भी दियो। भीम, तुझे अब बैठना होगा। अच्छा, इशारा मिल गया मैंने बैठने का। बैठने का भाई बोले बैठ जा मैं आ रहा हूँ। नहीं तो मैं बतांदा मैं द्रौपदी तेरे क्यों कर छोड़ के बैठू। शर्म ना आई सत्यानासी, जब तक जुए के दांत पे मैं ही लगा दी। मेरा कसूर को नहीं जमा सता दी, मैं तो तेरी कसम भी को नहीं खाई मेरे भाई, धर्मराज ने ला दी। तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए द्रौपदी। जो एक पति की औरत होती है वो भी सुख से रहती है, लेकिन मैं पांच पांच पतियों की औरत हूँ, आज तक एक टूक सुख से नहीं खाया। हाँ, ये भी खा लेना, देख भी मर की कैसी आदत है। मुझे मुझे दांत पे रख दिया, दूसरों की लुगाइयों को तक रहे। लुगाई को नहीं जमा सता रही है, मैं तो नहीं देखूं था, दासी बहुत सुतरी आ रही है। क्या कहना चाहते हो जेठ जी? पहले अपने पति भीम को चुप कर। चुप ही है वो तो। हाँ,
भीम माइक उड़न दे 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 जो भीम ना गटवो हां माइक किसके दे दे देना पड़ेगा दे दे मिनी कंस हां मिनी कंस तो है जमा जकड़ लेगी ये कायदे छोरी मैं देऊंगा या माइक पकड़ लेगी द्रौपदी हां तुझे भी दाब में जीत लिया है हमने पता है और तेरे पांचों पति को भी जीत लिया है पता है जभी तो तुम इतने बोल रहे हो नहीं तो तुम्हारी इतनी औकात कि तुम द्रौपदी के सामने बोल सको और सुन द्रौपदी मेरी आंखों में आंखें डाल करके देख क्या देखो तुम्हारी आंखों में इधर आ थोड़ी करीब आ क्यों करीब आ थोड़ा इधर बिल्कुल नहीं आऊंगी कैमरा की सिचुएशन खराब हो रही जल्दी आ इधर आ इधर द्रौपदी मेरी आंखों में आंखें डाल करके देख इन भुंडी आंखों को मैं देखना नहीं चाहती नहीं नहीं अब भुंडी नहीं है अब तो ये और सुथरी बन गई है ढीढ़ी बनी पड़ी है इनमें नहीं, और कोई नहीं कह सकता अब तो इसमें नए लेंस गिरवा करके चढ़वा करके लाया हूँ चाहे नए लेंस गिरवा चाहे नए चश्मे चढ़वा लेकिन अंधों के तो अंधे ही द्रौपदी अपनी जवान को लगाम दे धूर्त स्त्री तुझे शर्म नहीं आती अच्छा हाँ मुझे मत छेड़ो काली नागन हूँ डसकी ना तो पानी भी नहीं मांगेगा चिंता ना कर मैंने यो इंतजाम भी करवा रखा बहुत सफेरे बुलवा रखे हैं हाँ क्या क्या कहना चाहता है बहुत कुछ कहना चाहता हूँ सुन मेरी बात हो तू इनकी कार बहता समाई होती कैसे भरोसा पर के घूट पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ही ये की गई तेरी फूट पहले तो कुछ दिखे था अच्छा ही ये की गई तेरी फूट मेरा नाम त्रियो धन करके छोड़ू पर है बात मुझे अंधे का यंदा कहगी दिल्ली में लगा के ठाट आगे न बत बोले रे न सुन ले मछला बोयली दे काट आगे न बत बोले रे न सुन ले पिछला बोयली जे काट हो मने जैसा बो दिया बीज मने जैसा बो दिया बीज रीज के कर ले के आप पटाई तू तो इनकी कर द्रौपदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं भी कुछ वचनों में बंधा हुआ हूँ मैं भी इज्जत के साथ पेश आऊंगा अच्छा लेकिन द्रौपदी जो सच्चाई थी वो सच्चाई है क्या तूने जो गलत काम किया है उसका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा मैंने कोई गलत काम नहीं किया मैंने सच कहा था और सच कहती हूँ अंधों के तो अंधे ही पैदा होते नहीं द्रौपदी ये तुम्हारी गलत बात है आखिर मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ
और जेठ के साथ में इतना बड़ा मजा किया। आज से पहले मैंने कोई जेठ नहीं देखा कि अपने छोटे भाई की बहू को बुलाकर सभा के अंदर बेइज्जत करता हो। नहीं, मैं बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया। अरे दुनिया अपने घर की इज्जत को छुपा के रखती है, लेकिन तुम अपनी घर की इज्जत को सबके सामने उघाड़ना चाहते हो। द्रौपदी नहीं, मैंने तुम्हें इज्जत खराब करने के लिए नहीं बुलाया, तब की तुझे एहसास करने के लिए बुलाया है कि जेठ के सामने कैसे आना चाहिए पेश। कैसे आना चाहिए? हाँ, कहे सुन मेरी बात। मत मारे बोली के तीर सभा में बुलाई गई, कारण को तेरा चीर नंगी जा दिखाई जागी, नंगी जा दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर, नंगी जा दिखाई जागी, देखेंगे सब नग्न शरीर। मेरा छीर के तारे तेरी धूल में मिला दूं पाग, हंसनी ने हंसनी ने मत ना छेड़ चुपका हो जा काले काग, हंसनी ने मत ना छेड़ चुपका हो जा काले काग। ओ मेरे 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 हुए रिजगर समझ लूंगा, तू एक बार लग जा फिर ओके की रिपोर्ट आवेगी। मैं दवाई नहीं हूं। और कहां है? मैं तो विष हूं, विष। विष? अगर तुम्हारे घाव पे लग भी गई ना तो घाव को गहरा तो कर सकती हूँ लेकिन भर नहीं सकती ना। हम भी कोबरा हैं। कोबरा? कोबरा है तू? जहर बिल्कुल चूस जाएंगे तेरे बस की ना, जहर चूसना। अगर इस नाकिन का जहर कोई चूस सकता है ना तो वो बस मेरा पति भीम है और कोई नहीं है। पति भीम? ए भीम, अरे बिग जा, निकल जा रे, तने अपना दिल बहला दूंगा, अजगर छोड़ दिया तने बीच काड़े लंबा बना दूंगा। भीम, अजगर ले जाऊंगा अजगर। तू तो जुए में जीता हुआ है, तुझे तो बोलने का कोई हक और अधिकार ही नहीं है। आज है जो उसमें फिर चुप हो गया। चुप हो जा, सुन ले मेरी बात, सुना दे अपनी बात। Yeah.
सभा में बुलाने ते तने देनी पड़े खून की भेंट, वीर के संग बैर की ओ डूब के मर्याना जेठ, वीर के संग बैर की ओ डूब के मर्याना जेठ। ये मन्ने नहीं बैर किया, मन्ने नहीं बैर किया, तने करी छेड़ छाड़, सहन सा की इज्जत तारी, तेरा दूंगा नखरा झाड़, तेरा दूंगा नखरा झाड़। रानियों की दासी रह ले, जन्म जन्म की बेटे जा राड़, जेठ बहू का पैर खैर तुम्हारे रही अन्याय, तू जिनकी कर द्रौपदी। आज तुम कहती हो कि दरबार के अंदर जेठ और बहू का युद्ध होने के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, अगर ये काम करोगे तो युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। होगा, लेकिन तुझे भरी सभा में नगन कराया जाएगा और तुझे बहुत अच्छा नृत्य करना होगा। अच्छा, बिल्कुल करना होगा। कहिए अपनी बात। दुशासन जी बुलाता श्री भीम। देख भीम। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हो तुम? बहुत कुछ कहना। क्या कहना चाहते हो? द्रौपदी, तुम कहती हो मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। और तुमने अन्याय किया है मेरे साथ। अच्छा, तुम्हारे साथ हमने अन्याय किया है? हाँ, हमने कोई अन्याय नहीं किया, हमने तो बिल्कुल छाट करके न्याय किया है। कैसे? बिल्कुल। बोल। बताना चाहता हूँ। बता द्रौपदी, तुम अपने आप को पतिव्रता धर्म और एक पतिव्रता औरत बताती हो। हाँ, हाँ, हाँ। सजनों, मेरे बुजुर्गों, इस दुनिया में, इस जहान में, एक संसार में आपने सुना होगा किसी राजा को 16 रानी होती है, किसी राजा को 7 रानी होती है और किसी राजा को 3 रानी होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, रानी एक और खसम 5-5। ये देख ले भाई, पतिव्रता औरत है। किसी ने ना देखी हो तो इसने देख लो। हाँ, मैं पतिव्रता हूँ और तुम नहीं जानते कि ये 5 पति क्यों है मेरे। पूछ क्यों है? क्यों है? मैंने भगवान शिव शंकर भगवान की बहुत ज्यादा पूजा की थी। अच्छा, और शंकर भगवान ने मुझे खुश होकर 5 पति दिए हैं। 5 पति दिए हैं। मैंने भगवान से ये कहा था कि भगवान हे भोलेनाथ, मुझे अगर पति दोगे तो 5 गुण वाला देना, लेकिन भगवान ने इस दुनिया में कोई 5 गुण वाला एक इंसान बनाया नहीं, इसलिए शंकर भगवान ने एक एक गुण वाले मुझे 5 पति दिए। तू तो पागल हो रही है। आज से पहले पाथरेड़ी गांव में आ जाती, तेरी कसम सगरी खूब नहीं, पूरा चश्मा वाला पूरी कर देता हूं। और शनिवार इतवार की छुट्टी। और उन 5 गुण वालों में भी भैया एक भीम, देख कितने गुण है। भीम कई कुंटल तो राशन खावे। तू ना बोल, तू ना बोल, मेरी आंखों में कुणक की डाल रख दूं। सुन मेरी बात। हां, क्या है वो? छोरा माती तेरा भारी बैठी है पंचात। हाँ, तू शासन अरे तू शासन तू चीरे तार। हाँ, आखे ने बढ़ा हाथ। तू शासन तू चीरे तार, आखे ने बढ़ा के
ਤੇ ਚਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਤਰ ਲਈ ਇਹਨੇ ਛੋੜ ਦੇ ਬਚਾਓ ਮੈਂ ਬਚਾਉਂਗਾ ਛੋੜ ਦੇ ਛੋੜ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਆਫੀ ਮੈਂ ਜਬ ਕਾਮ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਛਤਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਔਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਮੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਚੀਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਛਤਰੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ आजा तेरे ते भारी तो मेरा लग रहा है आजा हेलो भ्राता श्री दुर्योधन भीम सिट डाउन आजा आ तू मेरे पति के सामने तेरी जांग को तोड़ देगा एक लात हेलो माइक नीचे कौन ही बोलता माइक नीचे भ्राता श्री एक बात समझ नहीं आई हाँ कम से कम भीम तो और कोई दूसरा टोले तो मर पावेगा इस ते के कसुत्ता भीम है जमाने लड़ती तेरा जी निकलना और हर ये को नहीं डरती दुशासन तुझी रे तारे आगे ने बढ़ा के हाथ दुशासन तुझी रे तारे आगे ने बढ़ा के हाथ मेरे चीर के कौन कौन खेले किसकी हुई जीत हार हराई जुए मैं किसने किसको मेरा अधिकार हराई जुए मैं किसने किसको मेरा अधिकार हो कहे गौरी संग और